हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीए हिस्ट्री कोर्स। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस क्लास में होने वाली है क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो बीए हिस्ट्री कोर्स है वो 8 सेमेस्टर में होता है और उसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं बीए हिस्ट्री इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप बिल्कुल जानते होंगे कि एनएबी सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस जो हुए हैं सिलेबस में, वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है हमारे हिस्ट्री ऑनर्स के सब्जेक्ट में, क्या क्या सिलेबस में मेंशन है। तो 4 साल का है आपका बीए हिस्ट्री, ठीक है, और इसमें 8 सेमेस्टर है टोटल। जो आपका करिकुलम है उसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, आपको कैसे कैसे समझना है हम समझेंगे। HCC जो इसके कोड है, ठीक है, और माइनर और मेजर ऐसे करके कोर्स किए गए हैं, अवेलेबल है आपका सिलेबस पूरा वेबसाइट पे भी, बट डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो टोटल 8 सेमेस्टर में आपको किस तरह से मार्किंग मिलेगी, कैसे आपके स्कोर बोर्ड पे मार्क्स आने वाले हैं, कैसे आप उसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, इस सब के लिए ये टेबल आपको मिल जाता है वेबसाइट पर। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो टोटल 4300 मार्क्स में से आपका 4 साल का जो कोर्स है वो पूरा टोटल किया जाता है। कोर्स कोड आपका हो जाता है HISDSC और क्रेडिट है आपके 1 to 22, टोटल 22 क्रेडिट है। तो SEM 1, SEM 2, SEM 3 इसमें कैसे कैसे आपके आने हैं पूरा देख लीजिएगा। SEM 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे अर्लियस्ट टाइम टू 300 BC तक, ठीक है। फिर SEM 2 में आएगा सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चर और SEM 3 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे करके आपका पूरा डिटेल में आएगा, ठीक है। तो मैं आज ये क्लास में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, शॉर्टकट वाला मेथड नहीं है यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझें। कोई भी कोर्स लेने से पहले अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। SEM 1 में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं आप, और SEM 2 में जो माइनर कोर्स है इंटरडिसिप्लिनरी है। क्या दोनों में फर्क किया गया है? माइनर कोर्सेज में SEM 1, SEM 2, SEM 5 और SEM 6 में आने वाला है, ठीक है, और इंटरडिसिप्लिनरी में आपका H1DC, ठीक है, IDC जो है आपका वो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल में मैं आपको शेयर करती हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट है वहां से पूरा स्टार्ट होगा, जहां से इतिहास स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको हंटर गैदरर्स पढ़ने हैं, यानी पैलियोलिथिक एज का पूरा आप पढ़ेंगे, टूल्स वगैरह का, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद न्यूलिथिक, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। न्यूलिथिक कल्चर, चाल्कोलिथिक कल्चर, ये सारा डिस्कस हो जाएगा आपका SEM 2 में। देन थर्ड आएगा आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप ट्रस्ट करो गाइस, अगर आप बीए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हिस्ट्री का जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे, बड़े से बड़े पेपर्स भी आएंगे ना, तो भी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हर वो चीज का कोर्स आप डिस्कस करेंगे जो आपका फर्दर आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आता है। देन कल्चर इन ट्रांजिशन पढ़ेंगे हम, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन कर जाता है उसके बाद कैसे डेवलपमेंट होती है, नए नए कौन कौन से जो राजा महाराजा आते हैं, नए नए डिनेस्टीज आती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। देन आपको सजेस्टेड रीडिंग भी यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या बुक आपको लगेगी, पहले ये सजेशन वाला भी रह देते हैं पार्ट, कौन कौन सी बुक्स लगेगी ये हम अपनी बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें क्या क्या कोर्सेज है वो देखना है। देन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड आएगा, ठीक है, पैलियोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर का। फूड प्रोडक्शन, ये आपका न्यूलिथिक है, जिसमें डिबेट होगी ओरिजिन ऑफ फूड प्रोडक्शन कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसमें पता चलता है कि मेसोलिथिक पीरियड से ही खेती स्टार्ट हो गई है। अब जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं, नए नए रेवोल्यूशन आ रहे हैं, उसके हिसाब से न्यूलिथिक की एज और थोड़ा सा पीछे से बताई जा रही है, तो एज डिफरेंस। फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर और भी जो सिविलाइजेशन थी उनकी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेट स्ट्रक्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। नोमैडिक ग्रुप्स के बारे में डिबेट है, ठीक है, यानी कि जब आर्यन आए, आर्यन इन्वेजन के ऊपर डिबेट है, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। एंशियंट रोम की पॉलिटी और सोसाइटी, ये सब भी डिस्कस होगा, क्योंकि हमारा जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप कर रहा था
उसी समय पर मेसोपोटामी सिविलाइजेशन भी डेवलप कर रहा था, हमारे उससे ट्रेड के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट द पॉलिस इन एंशिएंट ग्रीस एज वेल, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाले हैं आपके। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आपका 300 BC से जो 750 कॉमन ईरा तक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका हमने क्या क्या पढ़ना है, जो हमारी इकोनॉमी थी और सोसाइटी थी, ठीक है, ये सब डिस्कस होने वाले हैं। एग्रेरियन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इकोनॉमी, अर्बन ग्रोथ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जहां पर वेदास के बारे में डिस्कस होगा, वर्ण जाति, अनटचेबिलिटी, जेंडर, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है। आपके अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ते हैं तो उसके बाद जो जो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं या आपके इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं वो भी इसी चैनल पर डिस्कस होगा, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलने वाला है। देन अर्ली मेडिवल इंडिया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एग्रेरियन एक्सपेंशन जब उस समय हुआ, लैंड ग्रांट्स का जब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यानी जमींदारी सिस्टम जो हम लोग देखते हैं उसकी स्टार्ट कहाँ से हुए और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे धीरे धीरे पड़ने लगा। देन जो इम्पोर्टेंट डिनेस्टी थी, जैसे मौर्यस बहुत इंपॉर्टेंट डिनेस्टी रही है, ठीक है, मौर्यस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन गुप्तास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब वो डिनेस्टीज हैं जो एक टाइम पीरियड में काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट डिनेस्टीज रही, ठीक है। फिर हमें धर्म, वर्णाश्रम और कुशास्त्र के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा एंशियंट का जो एक क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर वो इन टॉपिक से बनते हैं, तो हम लोग ये जरूर डिस्कस करेंगे। देन महायान, बुद्धियान और पुरानिक ट्रेडिशन जैसे है जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका BA ऑनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, ठीक है जी। देन ब्रीफ सर्वे ऑफ संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल लिटरेचर। भाषा जो है वो कब डेवलप हुई है, कितनी भाषाएं थी पहले, सबसे पहले भाषा कौन सी थी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके लिए बाद में डिबेट होती है, आज भी हम लोग डिबेट करते हैं, बट जब हम उसका जो ऑथेंटिक रिसोर्सेस से हम लोग उसके एविडेंसेस पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन थी क्या, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हिस्ट्री का, अगर आप आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर जरूर अच्छे से पढ़ना होगा। मौर्यन के टाइम पीरियड पे, पोस्ट मौर्यन और गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, इस टाइम पीरियड में जो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल रहा है। इसके बाद आ जाएगा मिडिवियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना, मध्यकालीन ना सिर्फ भारत बल्कि संसार, उस समय क्या क्या चेंजेस हो रहे थे मिडिवियल पीरियड में हमें पढ़ना है। जैसे मिडिवियल यूरोप में रिलीजन क्या क्या था, भारत के अलावा बाहर के बारे में हिस्ट्री क्यों पढ़नी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो स्टूडेंट्स मोस्टली ये क्वेश्चन एरेज करते हैं, कभी मजाक में भी और कभी सीरियस भी, कि क्यों पढ़ना है हमें बाहर का। देखो हमारे देश में उस समय जो चेंजेस हो रहे हैं, बाहर के वर्ल्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम सेम टाइम पे पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम बहुत पहले से इंटरडिपेंडेंट सिविलाइजेशन रहे थे, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स ने आके क्लेम किया है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम तो बिल्कुल सिविलाइज नहीं थे, तो उनकी इन बातों को मिथ्या करने का एकमात्र साधन है कि आप अपनी हिस्ट्री को जड़ से पढ़ें, ठीक है। तो रिलीजन इन मिडिवल यूरोप, यहाँ पर आप स्टडी करने वाले हैं, सोसाइटी पढ़ने वाले हैं मिडिल यूरोप की, क्योंकि उस समय उनकी फ्यूडल सोसाइटी कैसी थी, भारत की फ्यूडल सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट था, दोनों में डिफरेंस क्या था, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजिशन डिबेट हम पढ़ेंगे, जुडिशियम और क्रिश्चियनिटी अंडर इस्लाम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए। अब आते हैं आपके नेक्स्ट रेट पे, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर हमें अर्ली मिडिवल इंडिया की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, जैसे इंडियन फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ राजपूता, नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम लोग राष्ट्रकूटा के बारे में, पालास, प्रतिहार, चोलास, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे भारत का जो स्ट्रक्चर है, हमारा भारत ना केवल नॉर्थ इंडिया इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से, बल्कि साउथ का भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि साउथ से काफी ज्यादा हिस्ट्री जुड़ी हुई है। कौन से टाइम पीरियड से, तो संगम टाइम पीरियड से, ठीक है। संगम एज से लेकर हमें
चोला प्रतिहारा इन सब के बारे में डिस्कस करने हैं, राष्ट्रकूट के बारे में डिस्कस करना है, कन्नौज स्ट्रगल क्या था, ये सब भी डिस्कस होगा, ठीक है। लेजिटिमाइजेशन ऑफ किंगशिप में ब्राह्मणास टेम्पल्स इनका रिलेशन, देन रॉयल जनरलिजीज क्या रहने वाला है, रिचुअल्स क्या था, अरब कॉन्क्वेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो जरूर पढ़ना है लगभग 7th सेंचुरी से, ठीक है। फर्स्ट अरेबिक जो इन्वेजन था 7th सेंचुरी के आसपास हुआ था, तो ये सारी चीजें डिस्कस आप लोग करेंगे अपने जब आप ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे सेंचुरी 750 के बाद का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका एग्रेरियन स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द टाइम पीरियड ऑफ 750 एंड अबव, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन क्या क्या था, क्या क्या क्रॉप्स उस समय होते थे, लैंडलॉर्ड और पीसेंट का यहाँ पर रिलेशन कैसा था, यानी कि हमारे भारत में गुप्ता टाइम पीरियड से पहले क्या जमींदारी सिस्टम था, ठीक है, क्या लैंडलॉर्ड सिस्टम था, ये भी हमें एक डिबेट का एक हिस्सा है, तो जब आप पढ़ेंगे तो इस बारे में जानेंगे। देन इनका रिलेशन उस समय कैसा था पीजेंट्स के साथ और समय के साथ साथ में क्या बदलाव आए, ठीक है। कास्टिज्म और स्टेटस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। देखो हमें क्या समझाया जाता है, हमेशा हमें ये दिखाया जाता है कि भारत में तो बहुत ज्यादा जो रिलीजन है उसको लेकर फाइट है, बट इसके भी कुछ अलग अलग रूप है। जैसे अर्ली वैदिक ईरा और लेटर वैदिक ईरा, इन दोनों में बहुत डिफरेंस हुआ है। अर्ली वैदिक ईरा में किसी भी तरह का जो कास्टिज्म है इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं नजर आता, बट लेटर वैदिक ईरा में बाद में जाके धीरे धीरे फर्क पड़ता है। और ये टाइम पीरियड कौन सा रहने वाला है, 1500 BC से लेकर 500 BC तक जो चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर स्टेट्स और स्टेटस ऑफ अनटचेबल पर, ठीक है। ट्राइब्स एज पीसेंट एंड देयर प्लेस इन द वर्णा ऑर्डर, ये सारी चीजें भी आपकी इसी पार्ट का हिस्सा है। फिर ट्रेड और कॉमर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। व्यापार बहुत इंपैक्ट करता है, आपके देश की इकोनॉमी कैसी है उससे आपके देश की सारी सोसाइटी और वहां की अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल क्लियर होके आपके सामने आ जाती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, शहरीकरण नगरीकरण कैसे हुआ। बहुत मजे की बात यह है कि अगर मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करती हूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तीनों एक ही बात है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है आपका 31 BC से, ठीक है। इसके तीन अलग अलग फेस हैं, तो जो मैच्योर फेस है इसका मोस्टली हम लोग वही कंसिडर करते हैं कि 2600 BC से 1800 BC के बीच में, लेकिन इसका स्टार्ट हो गया था 31 BC से 3100 BC के आसपास है, ठीक है। तो उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन सी सिविलाइजेशन है, क्या वो एग्रेरियन है या वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है, तो हम अगर आंसर ढूंढे तो इसका आंसर आएगा अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जब उसका डिक्लाइन हो जाता है उसके ठीक बाद में जो सिविलाइजेशन आ रही है, जो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की सिविलाइजेशन आ रही है, वो एग्रेरियन सिविलाइजेशन। तो ये बहुत ज्यादा रहस्य की बात है जो हिस्ट्री पढ़कर ही सॉल्व होती है, ठीक है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग अपने कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है, तो रिलीजियस और कल्चरल डेवलपमेंट जो होती है, जैसे भक्ति, तांत्रिज्म, पुरानिक ट्रेडिशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारी चीजें आपकी इसी आपकी स्टडी का हिस्सा रहेंगी। इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस जो थे, अल बरूनी का आना और किताबुल हिंद का लिखना, ठीक है। अल बरूनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है किताबुल हिंद, जो उस समय का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देता है। देन रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में डिस्कशन होगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये तो हमेशा ही आपका हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेम आपको जो फेस करना है वो है ट्रांजिशन डिबेट, ठीक है। फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, यानी जमींदारी से पूंजीवाद की तरफ आप कब बढ़ते हैं, जब औद्योगिक क्रांति होती है, जब डेवलपमेंट होगी आपकी, नए नए फैक्ट्रीज बनेंगी, ट्रेड जो है डेवलप होता चला जाएगा, तो चेंजेस आते हैं समाज में। तो जमींदार से कैसे पूंजीपति की तरफ बढ़ेंगे, मतलब एक जो लैंडलॉर्ड था वो बिजनेसमैन कैसे बनेगा और बिजनेस कैसे इम्पैक्ट करता है नॉर्मल लाइफ में, ये सब देखेंगे। देन न्यू वर्ल्ड की तरफ देखेंगे, पोर्तुगीज और स्पेनिश वॉयजेस, ये वॉयजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे, पुर्तगाल थे, और सबसे लास्ट में जाने वाले कौन थे, वो भी पुर्तगाल थे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपके धीरे धीरे करके यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। रेनेसांस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे मिस नहीं करना है। रेनेसांस जो है यानी पुनर्जागरण जो है यूरोप में होता है, और कारण होता है बहुत सारा। सबसे पहला कारण होता है औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है यूरोप में,
उसके बाद ही जो है सारा जो संसार है उसमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बिकॉज एक बार अगर यूरोप डेवलप हो गया तो वो अपने लिए फैक्ट्रीज चाहता है और थोड़ा सा अपने लिए क्या चाहता है, कॉलोनीज चाहता है, जहां पर उसे सस्ते मजदूर मिले, जहां पर वो फैक्ट्री बनाए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। तो यूरोपियन कंपनीज जो है वो संसार के हर एक कोने में जाकर उन देशों पर कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगी जहां पर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी होगी, जहां पर लोगों में यूनिटी नहीं होगी, और उसी टाइम का हिस्सा भारत भी बनेगा। ठीक है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स आएंगे। रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स जो हैं सिर्फ रिलीजियस कंफ्यूजन भारत में ही नहीं रहा है, यूरोप में भी रहा है, इसीलिए वहां पर भी रिलीजियस जो है मूवमेंट हुए और उसके बाद रेनेसांस का इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, इसमें मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, रेडिकल इंफॉर्मेशन, रेडिकल रिफॉर्मेशन, इंग्लिश रिफॉर्मेशन में बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कैल्विनिज्म, लूथरनिज्म। ठीक है, लूथरनिज्म जो है आपका मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लाया गया था, तो इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट हुआ। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस फ्रॉम द मेडिटेरियन टू द अटलांटिक। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। भारत को हम गोल जो है शेप है हमारी, तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर कैसे हो गया, और उसके बाद जो है पोर्तुगल, पोर्तुगल जो है भारत में कब आए, बहुत सारे चीजें जो है आपकी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन मॉड्यूल 5 में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप लोग डिस्कस करेंगे अपने इस सेमेस्टर में। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप आ जाएंगे आपके CC7 पर, जहां पर आप पढ़ने वाले हैं पर्शियन तारीख ट्रेडिशन, यानी अब यहाँ पर मिडिवल पीरियड का वो टाइम पीरियड आएगा जब सल्तनत टाइम पीरियड आएगा। वो जो हमने बताया था ना कि सेवन सेवेंथ सेंचुरी में पहला जो अरेबिक इन्वेजन हुआ था मीर कासिम का, उसके बाद और कौन कौन आया है, उसके बाद मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, फिर तराइन वॉर, ये सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं होंगे। उसके बाद यहाँ पर सैयद डिनेस्टी आएगा, लोधी डिनेस्टी है, सबसे पहले कौन सा डिनेस्टी यहाँ पर रूल करता है, तो इल्तुतमिश एक जो रूलर है वो काफी फेमस रूलर है, और वो किसका मतलब किससे कनेक्टेड है, तो स्लेव डिनेस्टी से कनेक्टेड है। फिर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तुगलक डिनेस्टी, फिर हम पढ़ेंगे खिलजी डिनेस्टी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में काफी लंबा चौड़ा एक करेक्टर डिबेट होगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इसी टाइम पीरियड में मिलने वाली है। और बहमनीस, विजयनगर, गुजरात, मालवा, जौनपुर एंड बंगाल, ये इंपॉर्टेंट जो प्रोविंशियल डिनेस्टीज हैं, इनका डेवलपमेंट हो रहा है उस समय पे। इनके राइज के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट नाम जुड़े हुए हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम्पी जो कैपिटल था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राजा कृष्णदेव राय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, गुजरात और मालवा डिनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से हैं, बहमनी किंगडम और जो बाकी के रूलर्स मिलकर जब विजयनगर साम्राज्य को हरा देते हैं, ये सारी चीजें भी आप लोग डिस्कस करेंगे अपने इस पार्ट में। तो हम सेंचुरी मतलब 300 से स्टार्ट होकर अभी 1200 सेंचुरी से 1526, यानी जब तक मुगल आएंगे तब तक आप इस पूरे इस टाइम पीरियड में स्टडी करने वाले हैं। यस, फाइनली आप आ जाएंगे 1650 से 1780 की जर्नी पर। यहां पर आप देखेंगे प्रिंटिंग रेवोल्यूशन होता है। जब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन होगा यानी न्यूज़पेपर, जर्नल सारी जगह डेवलप होंगे, बहुत कॉर्नर तक के लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार चेंजेस हो रहे हैं समाज में, तो उन पर भी क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। रेवोल्यूशन होगा वॉर टेक्निक पे, नए नए तरह के युद्ध लड़े जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है लोग अगर डेवलप कर रहे हैं तो वॉरफेयर भी डेवलप करेंगे, नए नए अगर लड़ाई के तरीके आ रहे हैं तो नए नए वेपन्स भी बनेंगे। ठीक है, और उनसे ही धीरे धीरे जन्म लेगा 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पोजिशन आने वाला है। ठीक है, क्राइसिस होंगे यूरोप में 17th सेंचुरी में, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डायमेंशन होने वाले हैं और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन इस समय एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे और नए तरह की साइंटिफिक एकेडमीज ओपन होंगी। ठीक है, ओरिजन होगा एनलाइटमेंट का, यानी कि फिर से पूरा चेंज होगा सोसाइटी, जो पुराने टाइप का लाइफ स्टाइल है वो चेंज होगा। अब मर्केंटलिज्म और यूरोपियन इकोनॉमिक आएगी, मर्केंटलिज्म और लैंडलॉर्ड सिस्टम भारत, इन दोनों में क्या क्या कनेक्शन है वो भी आप लोग पढ़ेंगे। प्रीलुड्स एंड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रीलुड्स जो है वो क्या क्या, पहले क्या ट्रेड थे, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या इम्पेक्ट है, यूरोपियन पॉलिटिक्स जो है 17th से 18th सेंचुरी के बीच में कितने ज्यादा कलरफुल चेंजेस लेने वाली है, और पार्लियामेंट्री मोनार्की क्या होगा, और पैटर्न ऑफ एब्सोल्यूटिज्म इन यूरोप, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांसिस क्रांति,
इटली में चेंजेस, ठीक है, जर्मनी में चेंजेस, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेपोलियन बोनापार्टे, हिटलर, इन सब के बारे में भी डिस्कशन होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका CC 9 पर। यहाँ पर 1526 से 1605 तक, यानी कि मुगल पीरियड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मुगल इंडियन हिस्ट्री पर्शियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, यानी पारसी में उन्होंने जो बुक्स छपवाई हैं उसमें क्या मेंशन है, और बाकी के भी राइटर्स हैं जो मुगल हिस्ट्री के बारे में काफी काफी कुछ लिखते हैं। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी कि जो बाद में राइटर्स आए हैं उनकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो यूरोपियन टाइम पीरियड के हैं, जो इस समय भारत में आते हैं और लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद मुगल रूल का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, बाबर इन्वेजन देखेंगे, ठीक है। बाबर का भारत में आना, क्या बाबर को भारत में राज करने के लिए बुलाया गया था, तो आंसर है नहीं। भारत को सिर्फ एज ए हेल्पिंग हैंड यहाँ इनवाइट किया गया था, लेकिन जब बाबर ने यहाँ पर पॉलिटिकल अस्वस्थता देखी और उसको मौका मिला तो यहाँ पर उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो हम शेरशाह की सुपरमेसी भी देखने वाले हैं, क्योंकि मुगल के जाने के बाद जब बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठता है तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो शेरशाह के सामने टिक नहीं पाता है, ठीक है, और वो शेरशाह उसको खदेड़ देता है, और हुमायूं तब तक भारत में आ नहीं पाता जब तक शेरशाह जीवित रहता है, ठीक है। 12 साल के बाद जब एग्जाइल से हुमायूं वापस लौटता है, उस समय शेरशाह वहां नहीं रहता है भारत में, उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद भारत में धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता है मुगल का, और देन अकबर जो है वो स्ट्रांगली कंट्रोल अपना धारण कर लेता है भारत पर, ठीक है। देन कंसोलिडेशन ऑफ पावर पढ़ेंगे हम मुगल रूल की अंडर अकबर, क्या क्या उसका पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है अकबर टाइम पीरियड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हमेशा ही बनते हैं। सोसाइटी और इकोनॉमी देखेंगे मुगल टाइम पीरियड पे, भारत की सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 10th पार्ट, जहां पर आप 1605 से 1750 तक के टाइम पीरियड में आएंगे। अब हम अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद हम पढ़ने वाले हैं बाकी सारे रूलर, यानी शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। ये सारा टाइम पीरियड आएगा आपका 1750 तक का, क्योंकि 1707 में एक्सपायर कर जाएगा औरंगजेब, और उसके बाद मुगल हो जाएंगे कमजोर, क्योंकि उसके बाद के जो मुगल आएंगे वो उतने स्ट्रांग रूलर नहीं है, और भारत में उस समय और भी ऐसे राजे हैं जो कि पावरफुल होने वाले थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल कल्चर हम पढ़ेंगे जहांगीर और शाहजहां का, देन औरंगजेब, शिवाजी और बाकी की जो पावर्स डेवलप होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आसाम के बारे में पढ़ना, मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेट जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स नहीं आपने की है और आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यहाँ फंस जाते हैं आप। लेकिन अगर आपने बीए हिस्ट्री की है तो आप हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी काम में, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपका बीए हिस्ट्री के जितने टॉपिक है ना वो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सोसाइटी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, क्या क्या जो है समन्वय रहा है हिंदू और मुस्लिम का उस टाइम पीरियड में, उनके ग्रुप्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, कस्टम और ट्रेडिशन पढ़ेंगे। कंडीशन देखेंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर कैसा था, क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री कैसा था, और मॉनेटरी सिस्टम कैसा था, ठीक है। डेवलपमेंट होगा ट्रेड और कॉमर्स का, किस रूलर के टाइम पीरियड में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये भी फर्क पड़ता है, अकबर के टाइम पीरियड में ज्यादा डेवलपमेंट था या औरंगजेब के टाइम पीरियड में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर एक टाइम पीरियड में जो रूलर्स जब गद्दी पे बैठता है तो उस समय इकोनॉमी में बहुत सारे वो नए नए रूल निकालता है, जैसे अकबर ने जजिया कर हटा दिया था, जहांगीर ने फिर लगा दिया था, ठीक है। तो इस तरह का जजिया कर जो है, जो पिलग्रिम टैक्स है उसको लगाना और हटाना, इससे रिलेट करते हुए भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें। अब धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे स्टेम 5 में, यहाँ पर 1780 से लेके 1939, अब आपका मॉडर्न इंडिया का वो वाला टाइम पीरियड स्टार्ट होगा जब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपने पैर ज्यादा जमाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि 1780 टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, यानी 1757 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। ये प्लासी की वॉर जो होती है, इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगती है भारत में, और 1765 में जब एक इम्पॉर्टेंट ट्रिटी होती है, ट्रिटी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, उसके बाद तो इनको हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो ये कह सकते हैं कंट्रोल मिल जाता है, फाइनेंस कंट्रोल मिल जाता है इनको, बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
इन तीनों इंपॉर्टेंट स्टेट का इन्हें टैक्स लेने का अधिकार मिल जाता है, और उसके बाद तो ये लोग आगे आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, रिस्टोरेशन और रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ये यूरोपियन टाइम पीरियड का ज्यादातर कवर करने वाले हैं हम इस टाइम पीरियड में, मॉडर्न यूरोप। ठीक है, कैपिटलिज्म और आपका सोशल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यूरोप में जो चेंजेस होने वाले हैं उसका पूरा इंपैक्ट पड़ने वाला है भारत में। ठीक है, वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म एंड रीमेकिंग ऑफ स्टेट्स 19th से 20th सेंचुरी में कहां कहां पढ़ने वाला है, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, बलकान, बलकान वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट टॉपिक भी रहा है बलकान के बारे में। देन हम रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, और जर्मनी का और इटली का जो स्पेसिफिकेशन उस समय हुआ इकोनॉमी डेवलपमेंट वो डिस्कस होगा। बोल्शेविक रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहे, 1917 की क्रांति, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस होगा। फिर इंपीरियलिज्म वॉर और क्राइसिस 1880 का 1918 तक, ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जी हाँ यहाँ पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर डिस्कस कीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो वॉर रहने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इससे रिलेटेड जितनी भी डिफरेंस हुए हैं, पोस्ट वॉर का असर पड़ता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, क्योंकि डिप्रेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा, फिर स्पेनिश सिविल वॉर स्टार्ट होगा, फासिज्म इटली में स्टार्ट हो जाएगा और नाजिज्म जर्मनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाले हैं। अपने वर्ल्ड की हिस्ट्री को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप हिस्ट्री नहीं जानते हैं तो ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि तब कोई भी कुछ भी कह लेता है, हम मान जाते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेमेस्टर सिक्स में आप पढ़ने वाले 18th सेंचुरी का जो सोसाइटी इकोनॉमी पॉलिटी था भारत का। ठीक है, यूरोप और भारत दोनों साथ में लेकर चला जा रहा है, ताकि दोनों साइड में क्या क्या इंपैक्ट हो रहे हैं वो सब डिस्कस हो सके। ठीक है, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, कॉलोनियल स्टेट आइडियोलॉजी, रूरल इकोनॉमी, सोसाइटी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, भारत में क्या क्या रिवॉल्ट्स हुए वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे संथाल और अपराइजिंग 1857 से रिलेट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम डिस्कस करेंगे। यदि आप ये चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर भी आपके साथ डिस्कस होंगे, तो चिंता मत कीजिए, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री गो ऑन, ठीक है, वी आर विद यू, डोंट वरी, हिस्ट्री बहुत इजी है, अगर आप मूवीज देखते हैं तो हिस्ट्री भी आसान है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें जो कल्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स यहाँ भारत में भी हुए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो रिफॉर्म्स है जिसमें इंपॉर्टेंट है ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंदा, आर्य समाज, वहाबी, देवबंद, अलीगढ़, सिंह सभा मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिस्कस होगा आपका इस टर्म में। देन ट्रेंड अप टू 1919, यानी कि 1919 तक क्या क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी रही पॉलिटिकली वो यहाँ पर डिस्कस होगा। देन गांधीयन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गांधीयन जो मूवमेंट है या गांधीयन ईरा है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेशनलिज्म जो है आपका, लैंडलॉर्ड, प्रोफेशनल्स, मिडिल क्लास, पीजेंट्स, ट्राइबल, ये सारी चीजें डिस्कस होगी आपके सेम सिक्स के इस पार्ट में। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस, पार्टीशन और कॉमनलिज्म जरूर पढ़ना है, जिसमें आइडियोलॉजीज है अलग अलग, आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या थी, हिंदू महासभा क्या सोचते थे, मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी क्या थी, ये कब डेवलप हुए, क्या क्या डिफरेंस है, क्या थ्योरी थी, और इन थ्योरी पर आगे चलकर क्या क्या फर्क पड़ता है। इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट हम पढ़ेंगे, जिसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ लगभग 550 स्टेट्स भारत में थे, तो कैसे उन्हें कंसोलिडेट किया गया, कैसे भारत को एक सूत्र में पिरोया गया, और कैसे 16 स्टेट्स तक लाया गया, और फिर वही 16 स्टेट्स कैसे धीरे धीरे 28 स्टेट्स तक पहुंच रही है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट है, बिगनिंग ऑफ प्लानिंग है, नेहरू ईयर्स है, नेहरू ईयर्स में जो पंचवर्षीय योजना है वो सब भी डिस्कस होंगे। देन ये आ जाएगा माइनर स्कोर, माइनर स्कोर्स में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लियस्ट टाइम अप टू 300 CE, जितना भी अभी हमने डिस्कस किया है उसके आगे माइनर कोर्स में क्या क्या डेवलप होगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको समझना है किस किस सेमेस्टर में, किस किस पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। आई होप अब आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि बीए हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सेमेस्टर्स में क्या क्या ऑप्शन आपको और ध्यान से देखकर करना है। और अगर आप ये हिस्ट्री करना चाहते हैं तो यकीन मानिए दिस इज नॉट वेरी टफ, तो यू कैन इजिली डू दैट कोर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे
पोर्शन है जो आपके थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, आप जिसको एक बार रीडिंग करके हटेंगे और वही हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू एवरीवन। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे कोर्स वो आपके लिए अच्छा होगा।